सब्सक्राइब कीजिए SS इलेक्ट्रिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नोन, आप देख रहे हैं SS इलेक्ट्रिकल। आज मैं जो है ओवरलोड के बारे में जो है बात करूंगा आप लोगों के साथ। तो इस इन्वर्टर में अगर आपका ओवरलोड का शो करे तो इसमें जो है बेसिकली एक स्विच प्रोवाइड किया जाता है प्रीसेट, जिसको आप थोड़ा सा घुमा के जो है इसका ओवरलोड जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोड लिखा आएगा, ये जो है तो इससे जो है आप लोड को घुमा के थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो है इससे आपका लोड चेंजेस ना हो, यानी कि ओवरलोड फिर भी दिखाए, तो मॉस्फेट या फिर आईसी को चेंज से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पीछे जो LM324 आईसी लगाया गया है। इससे पहले मैंने जो है LM324 आईसी को लेकर वीडियो बना था, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, अभी मैं आई कार्ड में दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा इसके हर एक पिन के कनेक्शन के बारे में। तो अभी मैं फिलहाल कुछ बता देता हूँ तो काम करने में आसानी होगा। जो LM324 आईसी है उसके जो 6 नंबर पिन में एक 100 के का रेजिस्टेंस के साथ जो है प्रीसेट लगाया गया है, वो अगर 100 के का वैल्यू चेंज हो गया तो जो है आपका ओवरलोड दिखाएगा। तो 100 के को आप पहले जो है बदल के देख लीजिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो आपको जो है LM324 आईसी चेंज करना पड़ेगा। बहुत से केसेस में जो है माइक्रो कंट्रोलर का फॉल्ट रहता है, लेकिन पहले सिंपली स्टेप बाय स्टेप आप चेक करें, पहले प्रीसेट को घुमा के देख लीजिए, सॉल्व हुआ तो बढ़िया, नहीं तो उस प्रीसेट के पास में जो 100 के का रेजिस्टेंस लगाया है वो अगर जल जाए या फिर उसका वैल्यू जो चेंज हो जाए फिर भी दिखाएगा। और एक चीज़ के वजह से जो है ओवरलोड या फिर लो बैटरी दिखाता है, वो जो है यहाँ पे लोकेशन है इसका R7, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1 से 3 ओम्स के अंदर रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसका वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो ओवरलोड या फिर लो बैटरी दिखा सकता है। और ये जो है यहाँ पे रेगुलेट आईसी लगाया जाता है, यहाँ पे 50-50 है, हो सकता है आपके बोर्ड में 7805 हो, तो वो अगर वैल्यू चेंज कर ले ये अपना तो भी आपका जो है ओवरलोड या फिर लो बैटरी दिखा सकता है। और कभी कभार चार्जिंग में भी डिस्टर्ब आ सकता है, यानी चार्जिंग में भी प्रॉब्लम जो है आ सकता है। तो मेरा ये बेसिक वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मेरा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।